स्वागत है आपका आज की क्लास में देखा हमने। जैसा हमने कल आपको बताया था कि आपको ऐसे लोग मेस में आप किस प्रकार से डिफरेंस कर सकते हो, किस प्रकार से आपकी पहचान कर सकते हो, इस प्रकार से आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड और बेस को कितने टाइप होते हैं, या फिर एसिड और बेस कितने टाइप होते हैं, या फिर एसिड और बेस किन्हें कहा जाता है, एसिड बेस किन्हें कहा जाता है। साथ ही भी पढ़ेंगे कि सॉल्ट के निर्माण कैसे होता है, सॉल्ट का निर्माण कैसे होता है। स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने आपको पढ़ाया था कि भाई एसिड होता है और बेस होता है, दोनों का कांसेप्ट लगभग सेम सही है कि एसिड आपके दो टाइप के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। स्ट्रॉन्ग वाले को हिंदी में प्रबल और वीक वाले को दुर्बल कहा जाता है, जैसे प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। इसी प्रकार से बेस का सिस्टम है, बेस में दो टाइप के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक, प्रबल और दुर्बल। आपका जो यहाँ पे प्रबल या स्ट्रॉन्ग है इसको आप मिनरल्स वाले जो आपके एसिड है, मिनरल एसिड या खनिज से प्राप्त होने वाले एसिड या फिर अम्ल भी कह सकते हैं। इसी के साथ वीक वनस्पति से प्राप्त होते हैं, आपको वनस्पति से प्राप्त होते हैं या फिर आपको नेचर से प्राप्त होते हैं, आप कह सकते हो वीक या दुर्बल हम या ऐसे। जैसे स्टार्ट करते हैं कि भाई एसिड में ऐसे कौन कौन से एसिड हैं जिनको स्ट्रॉन्ग एसिड कहोगे या फिर प्रबल अम्ल कहोगे, और कौन कौन से ऐसे एसिड हैं जिनको आप वीक एसिड या दुर्बल अम्ल कहोगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड के स्ट्रॉन्ग बेस वो पदार्थ होते हैं या वो सब्सटेंस होते हैं कि अगर आपकी किसी वस्तु पर गिर जाए तो उसको जला देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। इसलिए इनको स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस भी कहा जाता है। इनमें से एक है HCl, दूसरा है आपका H2SO4 जो आप नॉर्मल में नॉर्मल यूज करते हैं, अब तो क्या नहीं मिलता इसलिए, लेकिन पहले काफी मात्रा में मिल जाया करता था। यस, अगला आता है आपका HNO3, HNO3। ये तीन आपके स्ट्रॉन्ग एसिड या प्रबल अम्ल के अंतर्गत रखे जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसको हिंदी में नमक का अम्ल भी कहा जाता है। अगला है H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट, इसको आप हिंदी में गंधक का अम्ल भी कह सकते हैं या तेजाब भी कह सकते हैं। HNO3 को नाइट्रिक अम्ल या नाइट्रिक एसिड कहा जाता है। अब बात करते हैं वीक एसिड या दुर्बल अम्ल की, ये हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, नेचर से प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको दुर्बल या वीक कहा जाता है। इसमें आप समझ सकते हैं कौन सा एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको, CH3COOH, CH3COOH एक ऐसा अम्ल है जिसको आप दुर्बल अम्ल कह सकते हो, एक दुर्बल अम्ल कह सकते हो, इसको एसिडिक एसिड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इसी प्रकार से बेस की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस दो रखे गए हैं, कौन कौन से, एक है आपका NaOH और एक है आपका KOH। NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है और KOH को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। यस, इसी प्रकार देख पा रहे होंगे स्ट्रॉन्ग में बेस की बात की जाए तो NaOH और KOH है, और एसिड की बात की जाए तो स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl, H2SO4 और SN3 आते हैं। इसी प्रकार दुर्बल अम्लों में वीक एसिड में CH3COOH आता है। इसी प्रकार से वीक या दुर्बल बेस में कौन सा हो सकता है, आप ले सकते हैं यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COOH का कोई बेस। मैं वीक के बारे में ज्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीक नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, ज्यादा यूज जो होते हैं वो इनके ज्यादा होते हैं स्ट्रॉन्ग वाले में। यस, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इनमें से बनता है सॉल्ट, इनसे बनता है सॉल्ट, किनसे, आप एसिड और बेस को अगर मिला देंगे, एसिड और बेस को अगर आप मिला देंगे तो बनेगा सॉल्ट, क्या बनेगा सॉल्ट। चलिए मिलाकर देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम सोडियम ले लेते हैं, मान लीजिए हमने HCl ले लिया, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं NaOH ले लीजिए, पहला है NaOH, यस, उसको हम मिक्स कर दीजिए तो Na चला जाएगा CH के साथ, NaCl प्लस क्या बचा OH और H, H और OH यानी कि H2O, H2O, ये था आपका एसिड, ये था आपका बेस, ये बन गया आपका सॉल्ट, ये बन गया आपका वाटर। इस तरह आप कह सकते हैं कि एक अम्ल और एक क्षार या एक एसिड और एक बेस की रिएक्शन कराने पर वाटर के या जल के अलावा जो पदार्थ बनेगा वो सॉल्ट कहलाएगा या फिर जमा कहलाएगा। इसके अलावा दूसरे रिएक्शन करके देख लेते हैं, अगर आपको अच्छी तरीके से हो जाए, इस बार लिखते हैं H2SO4 प्लस, दूसरा लिखते हैं हम चले क्यों नहीं लिखते आपका
अब क्या बचा हुआ है, अपना एक बार हमें H2 और OH यानी कि H2O बचा हुआ है। अब हम बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन जो चार हो गए हैं, यहाँ पर चार नहीं हो गए, तो उनकी आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। जितना आपका एसिड, जितना आपका बेस, जितना आपका सॉल्ट, ये आपका वाटर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। अब जहाँ हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, आज आपने सीखा एसिड बेस से सॉल्ट कैसे बनेगा और क्या होते हैं एसिड, क्या होते हैं बेस, ये बात आपको इजीली क्लियर हो गई। ठीक है, आज के इतना ही, कल हम इसके आगे का पढ़ेंगे। धन्यवाद।